कितने मेहरबान थे जो बिन मांगे हजारों गम दे गए, और हम कितने खुद गर्द निकले कुछ ना दे सके स्वाय प्यार के। तो उन्होंने कहा आप छोड़ जाइए घर को। मैंने कहा छोड़ जाता हूँ। उन्हें मुझे पॉइजन दिया था मेरी बहू ने। हमें यहाँ मालिक ने सब सुख दे रखे बेटा, किसी चीज़ की हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप देख ही रहे हो। और यहाँ के तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो गए, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से घूमते हैं फिरते हैं, किसी चीज़ की हमें कोई पाबंदी नहीं है। क्यों इन्हें अलग थलग कर इन चार दीवारियों की शरण में आना पड़ा? जिंदगी की शाम में जब उन्हें अपनों की जरूरत थी तो क्यों उन्हें अकेलेपन के इस कर्ब और इस दुख को झेलना पड़ा? स्पेशल रिपोर्ट में आज एक सफर इन बुजुर्गों के साथ। मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में आज हमारा सफर है उन लोगों के साथ जो हमारी जिंदगी का सरमाया है, लेकिन भागदौड़ की आज की जिंदगी के बीच हमने उनकी परवाह छोड़ दी है। वक्त के बदलने के साथ रिश्तों का रूप भी बदला और आज कई अहम रिश्तों पर गर्द सी भी जमा हो गई है। ओल्ड एज होम जहां बहुत से नाना नानी दादा दादी रहते हैं, जिन्हें देखकर एक मशहूर नज्म का सहसा याद आ जाना लाजमी है। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। ये चंद लाइनें बरबस ले जाती हैं हमें अपने बीते दौर की तरफ। याद आते हैं दादा दादी, नाना नानी, उनकी बेलौस मोहब्बत, निस्वार्थ चाहत, हमारे बुजुर्ग जिनके स्नेह की छाव में हमने अच्छे बुरे की तमीज सीखी। लेकिन जब बड़े हुए तो हम में से बहुतों ने उन्हें तपती धूप में अकेला छोड़ दिया। अनगिनत बुजुर्ग आज अकेलेपन और आर्थिक असुरक्षा से दो चार होने को मजबूर हैं। वो जो संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, उनका वो एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में उनकी एक खास भूमिका हुआ करती थी। और अब जिस तरह से परिवार बिखर रहे हैं, लोग माइग्रेट होके शहरों में जा रहे हैं और इन सब कारणों से माता पिता की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा ये है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते वो उनके पास रोल नहीं रह गया है। जब आप संयुक्त परिवार पिछले ज़माने में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल वो निभाया करते थे, और अब वो सब रोल खत्म हो गए हैं धीरे धीरे। माता पिता की अनदेखी और उन्हें ओल्ड एज होम जैसी जगहों पर भेज देने के बढ़ते रुझान की झलक हिंदी साहित्य से लेकर हिंदी फिल्मों तक में देखने को मिली है। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? आज आप इस मासूम बच्चे से अपना मैल धुला रहे थे, कल इसे चोरी करवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। अनवर, मैं अपने बच्चे पर इनका मनुष्या कभी नहीं पढ़ने दूंगी। अबू, बस बहुत हो गया, अब हमें चैन से रहने दीजिए। खुदा के लिए आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। अनवर, बेटा मैं कहाँ जाऊंगा? तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे अपने घर से मत निकाल बेटे। आज की तारीख में इन ओल्ड एज होम्स में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत से ओल्ड एज होम्स फिल्मों के ओल्ड एज होम्स से मुख्तलिफ हैं। सहूलतें, साफ सफाई, कर्मचारी और चकाचौंध से कोसों दूर। उखड़ा प्लास्टर, नीरस माहौल, उदासी, सूनापन माहौल में बखूबी दिखाई देता है। खास तौर पर सरकारी ओल्ड एज होम तो कुछ ज्यादा ही खस्ता हाल में हैं। फिर भी बहुत से बुजुर्ग जो इनमें रहते हैं तो इसलिए कि उनकी मजबूरी है।
यहाँ हर बुजुर्ग के साथ जुड़ी है दर्द भरी एक कहानी। कुछ फैमिली डिफरेंसेस थे, बहुओं से नहीं बनती, बस यही है कि वो कभी इसके पास रहो तो कभी हमारे पास क्यों रहते हो। और वैसे मैं ठीक फैमिली से हूँ, मेरे पापा आर्मी में मैनेजर थे, मेरे हस्बैंड इंडियन एयरलाइंस में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन थे, लेकिन बस वक्त यहाँ ले आया। हमने तो कभी नहीं सोचा, बल्कि हम तो डंडे नीचे रहते थे खूब, हमसे तो लड़ाइयाँ भी होती थी, डांटते भी थे, सब कुछ करते, सब बर्दाश्त करते थे। पर देखिए अब, लेकिन आगे से यही मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि भाई कोई माँ आगे से कभी कुछ किसी करो देखा रुक। उन्होंने कहा आप छोड़ जाइए घर को, मैंने कहा छोड़ जाता हूँ। उन्हें मुझे पॉइजन दिया था मेरी बहू ने। एक माता पिता यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो IIT ग्रेजुएट है, मेरी डॉटर इन लॉ भी IIT है, और पर मैं अब आपके ओल्ड एज में। मैंने बोला कि आपका बेटा बहू IIT हैं, इतने अच्छे तनख्वाह पा रहे हैं, फिर आप क्यों कहना। वो बोला कि सब मेरा बेटा जो है बहुत अच्छा है, पर उनके यहाँ पे शाम को 3-4-5 दिन में पार्टीज़ होती हैं, कभी दोस्त लोग आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि मम्मी जगह कमी है, तो दोस्त लोग आएंगे इधर दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में जाएंगे, और आप लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, तो आप स्टोर में रह जाओ तब तक 2-3 घंटे के लिए। तो हम चुपचाप कहते हैं स्टोर में भी रह जाते थे, ठीक है बच्चों का अगर मन ऐसा है तो 2-3 घंटे के लिए स्टोर में रह गए। तो स्टोर में रह के एक दिन मेरी वाइफ को 11 बजे बाद सफोकेशन होने लगी स्टोर में, और फिर हमने खटखट किया और उसके आधे घंटे बाद उन्होंने खोला, और नाराज़ भी हुआ, मेरा बेटा भी नाराज़ हुआ। और फिर मुझे लगा कि नहीं, जब इस घर में मेरे लिए इतनी जगह नहीं है, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप ही आइए, ये आपके लिए ओल्ड एज होम बना। कुछ बोली और कुछ खामोश रही, मानो बोलेंगे तो पता नहीं कितने अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, शायद वो इस जिंदगी को अपनी नियति मान चुके हैं, संभवतः इसीलिए कि अपनी संतानों की बदसुलूकियों को वे पर्दे में ही रखना चाहते हैं, नहीं चाहते उनके बाल बच्चों की बदनामी हो। ये है आयुधाम। इस गैर सरकारी ओल्ड एज होम की हालत कुछ बेहतर नजर आती है। यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग रहते हैं हर महीने का तय किराया देकर। कि एल्डरली होम्स का हमारा अभी तक जो कंसेप्ट था ये था कि जो लोग बेकार हैं, जो घर में जिनके कोई ज़रूरत नहीं है उनको वहाँ डाल दो, लेकिन अब ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अब जो लोग अच्छे भी हैं, जो वेल ऑफ हैं और जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी जो है इस तरह की संस्थाओं में, आयुधाम जैसी संस्थाओं में आने के लिए इच्छुक होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर करीब 25 बुजुर्ग लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी यहाँ पर देख रेख की जाती है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, उनको यहाँ पर ठीक टाइम पर भोजन दिया जाता है, ठीक टाइम पे उनका जो है यहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम रखते हैं, उसके साथ साथ उनको जो है यहाँ पे कंपनी भी मिलती है, तो इसलिए उनका समय जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा बीतता है। तो हमारा यही मेन था कि यहाँ पे जो भी रहे उसका एक तो जो उसके जीवन का जो अनुभव है उसके हम लोग दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और उसके साथ साथ अपना जीवन भी वो अच्छा निकाले, और दूसरा संस्था के लिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ वो अपना समय अच्छा दे सके। यहाँ हमारी मुलाकात सरोज जी से हुई, वो बड़ी गर्मजोशी से मिली, हालांकि वो चल नहीं पाती, लेकिन उनकी जिंदादिली से हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। उनकी इंसानियत का जज्बा देखते ही बना जब उन्होंने बताया कि वो अपना शरीर दान कर चुकी हैं, चाहती हैं कि मरने के बाद वो किसी के काम आए। ऐसे होते हैं हमारे बड़े। मेडिकल सोशल वर्क में मैंने स्पेशलाइज किया है, मुझे मालूम है कि 6 ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्किन कैन बी यूज आफ्टर योर डेथ। आईज हैं, लंग्स है, हार्ट है, और फिर मैंने कहा बोन्स को आप टीचिंग के स्केलेटन को ले सकते हो, स्किन है आई एम सॉरी बर्न में काम आ जाती है, लिवर, स्प्लीन, तो वो कर दिया, और जो बाकी की बॉडी जो है वो
टीचिंग के लिए लेंगे विदेशा मेरा साथ। आदर्श ओल्ड एज होम्स की कल्पना काफी समय से कागजों पर ठहर सी गई है। उसे अमलीजामा पहनाकर धरातल पर उतारने की कोशिशों में तेजी की जरूरत बहुत अरसे से महसूस की जा रही है। बहुत से ओल्ड एज होम्स में सरकारी स्कीम्स और सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। वहीं बहुत से ऐसे निजी ओल्ड एज होम्स भी हैं जहाँ पर और तेजी से कोशिशें किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ होता है कि साल 2001 में 60 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों की कुल आबादी 7,69,00,000 थी, जो कुल आबादी का 7.5% हिस्सा था। 2011 में ये आबादी बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच गई, यानी कुल आबादी का 8.30%। 2026 तक बुजुर्गों की आबादी 17 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कुल जनसंख्या का 12.4% होगा। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की आबादी में बड़ा बदलाव आया है। दुनिया में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के स्थान पर अब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का रुझान है। परिणाम है कि वृद्धजनों की संख्या और अनुपात में बढ़ोतरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि फिलहाल दुनिया में 60 वर्ष की उम्र के करीब 60 करोड़ लोग हैं। 2015 तक ये संख्या दुगनी हो जाएगी और 2050 तक 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों की तादाद तकरीबन 2 अरब हो जाएगी। इनमें से ज्यादातर लोग विकासशील देशों के होंगे। बुजुर्गों के बीच अतिवृद्ध यानी 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों का वर्ग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल इनकी संख्या 60 से अधिक आयु वर्ग का 13% है। 2050 तक ये तादाद बढ़कर 20% हो जाएगी। शतायु यानी 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 2005 में 2,65,000 थी। 2050 तक इसकी 37,00,000 होने का अनुमान है, यानी 45 वर्षों में इनकी आबादी में लगभग 14 गुना बढ़ोतरी। ले रहे हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी पर हमारी ये खास पेशकश। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी पर हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हमारा ये सफर है बुजुर्गों के साथ। बुजुर्गों के हालात के बारे में जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर 1991 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया। तब से हर साल 1 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। भारत सरकार ने बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की सेहत और उनकी बेहतरी के लिए 1999 में राष्ट्रीय नीति तैयार की थी। उसके बाद 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून बनाया गया। वृद्धाश्रमों की स्थापना, इलाज के इंतजाम और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रावधान किए गए। देश में चल रहे वृद्धाश्रमों के लिए कुछ मानदंड भी तय हुए। ओल्ड एज होम के लिए या वृद्धाश्रम के संचालन के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, ऑटोनॉमस बॉडी हो, गैर सरकारी संगठन हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, इस प्रकार की संस्थाओं को जितने वृद्धजन वहाँ सुविधा का लाभ लेते हैं, ऐसे वृद्धजनों का जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको पहचान पत्र जारी कर दिया जाए, इस प्रकार का प्रयास किया जाता है, बन भी रहे। एक तो वो है जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, रात दिन रहते हैं। दूसरा एक समूह ऐसा भी है जो दिन दिन में वहाँ रहते हैं, रात में अपने घरों में चले जाते हैं। तीसरा समूह ऐसा भी है जिसको मोबाइल सिस्टम से, अर्थात जैसे हॉस्पिटल में मोबाइल हॉस्पिटल्स की सुविधा है, ऐसे ही मोबाइल ओल्ड एज फैसिलिटी देने का प्रावधान है। वही अगर ओल्ड एज होम्स के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर निश्चित आंकड़ा नजर नहीं आता है।
समाज कल्याण मंत्रालय के एक मोटे अनुमान के मुताबिक देश में 2008-09 में 278 वृद्धाश्रम थे, जो 2009 और 10 में बढ़कर 728 हो गए, और आज सरकारी अनुमान के मुताबिक तकरीबन 1000 वृद्धाश्रम हैं। लेकिन बुजुर्गों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में डोनेशन के आधार पर चलने वाले ओल्ड एज होम्स की संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही कुछ ओल्ड एज होम महीने के किराए के आधार पर भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति चिंताजनक है। आदर्श ओल्ड एज होम्स की कल्पना काफी समय से कागजों पर ठहर सी गई है। उसे अमली जामा पहनाकर धरातल पर उतारने की कोशिशों में तेजी की जरूरत है। बहुत से ओल्ड एज होम्स में सरकारी स्कीम्स और सुविधाएं पहुंच भी नहीं पाती हैं। अगर वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो हालात बेहतर नजर नहीं आते। जो बीपीएल परिवार में या उसकी श्रेणी में आता है उसको हम पेंशन देते हैं। एपीएल परिवार को भी कई राज्यों में देने की सुविधा प्रारंभ की गई है, परंतु कुल मिलाकर के परिचय पत्र बनाने का काम राज्यों के जिम्मे रहता है और हमारा सरकार राज्यों के माध्यम से उनसे संपर्क करके, उनको समय समय पर बातचीत करके, मोटिवेट करके परिचय पत्र समय पर और सुविधाजनक तरीके से मिल जाए, इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं कि मल्टीपर्पज उपयोग के लिए कार्ड बना रहे हैं। उसमें पैनल डॉक्टर से अगर वृद्धजन अशक्त है तो उसको विकलांगता का प्रतिशत दर्शाने वाला भी उसमें उल्लेख होगा, उम्र को दर्शाने वाला भी प्रावधान होगा, और इन सब बातों के कारण उनको ये सब प्रकार की सुविधा मिलेगी। अलग अलग प्रकार का कार्ड बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ये जो बुज़ुर्ग लोगों का पेंशन भी होता है 200 रुपया केवल मिलता है, और आज की महंगाई में 200 रुपये में कुछ नहीं हो सकता है। केवल तमिलनाडु और गोवा ने 1000 रुपया पेंशन किया है और दिल्ली सरकार ने भी 1000 रुपया पेंशन किया है, बाकी स्टेट्स में 200 रुपया ही चल रहा, और कुछ कुछ स्टेट्स जैसे बिहार और यूपी में ये पेंशन भी 6-6 महीने में एक बार देते हैं। और आप मान लीजिए कि आपका तनख्वाह एक हर महीने नहीं आता है, तो केवल 6 महीने में एक बार आपको तनख्वाह एक साथ दे देंगे, तो कैसे घर चला सकते हैं, जो भी चला सकते हैं। ऐसे ही चल रहा है ये ओल्ड एज पेंशंस। वही माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिसंबर 2007 में सरकार ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बनाया था। इस कानून के हिसाब से माता पिता के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को 11 राज्यों में लागू किया गया है। नागालैंड, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा में इस पर अमल हुआ। कई दूसरे राज्य इस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया में हैं। इस अधिनियम के तहत अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं तो वो सरकार से या फिर कानून से अपने लिए सहायता प्रदान के लिए आशा कर सकते हैं। इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक ट्रिब्यूनल खोला गया है और वहाँ पे किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं होती, एक कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। और जो बच्चे नहीं देखभाल करते हैं उनको, और अगर ट्रिब्यूनल के कहने पर भी वो देखभाल नहीं करें, तो उनको 5000 रुपया जुर्माना या 3 महीने की कैद या दोनों दिए जाते हैं, और 500 से लेकर 10000 रुपये तक का भत्ता, वेतन भत्ता, वो बुज़ुर्गों के लिए इसमें इसका प्रावधान है। बेशक ये कुछ एक अच्छी पहल की ओर इशारा करती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इन बुज़ुर्गों को ध्यान में रखते हुए कुछ बेहतर पहल किए जाने की ज़रूरत महसूस होती है। दिल्ली का मास्टर प्लान, मुंबई का मास्टर प्लान में कोई ओल्ड एज होम्स के लिए लैंड एलोकेटेड नहीं है, और ज़्यादातर जब ओल्ड एज होम्स बनाने के लिए मांगते हैं कि आउटस्कर्ट्स में मिलता है या बहुत दूर मिलता है, इसमें बुज़ुर्ग लोगों का अकेलापन और बढ़ जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम होता है दूरी जगह पे, इसलिए ये सब शहर के बीच में होना चाहिए।
और हम अभी भी बोल रहे हैं कि जो मोदी सरकार 100 शहर बना रहे हैं उसमें भी 100 शहर के बीच में होना चाहिए जगह ओल्ड एज होम्स के लिए एलोकेटेड। अगर मास्टर प्लान में एलोकेशन हो जाता फिर बुज़ुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कीम होगा, आगे चल के यही होना चाहिए। क्योंकि ओल्ड एज होम्स ज़रूरी होगा लेकिन ये ओल्ड एज होम्स कैसे अच्छे ढंग से चला सकते हैं उसी का प्रयत्न होना चाहिए। दर्द बिछोड़े दालनी मायनी मैं किन्नू आखा दर्द बिछोड़े दालनी। बिना जड़ों के कोई पेड़ नहीं फैलता। एहतराम कीजिए उन रिश्ते का जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आपकी कामयाबी के लिए दिन रात दुआएं की। और आज जब हमारी बारी आई तो हम में से बहुतों ने उन्हें ओल्ड एज होम में भेज दिया। ये भूल गए कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे भी। और आज जब हमारी बारी आई तो हम में से बहुतों ने उन्हें ओल्ड एज होम के हवाले कर दिया। भूल गए कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही कल हमें काटना होगा। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐसा इंसान दुनिया में हमने कभी ना पढ़ा ना सुना है ना देखा है कहीं। फ़र्ज करता रहा दूसरों के अदा, अपना हक भी कभी किसने मांगा नहीं। ऐसे होते हैं माँ बाबा, सोचिएगा ज़रूर उनके बारे में और उनके साथ कभी कुछ बुरा करने से पहले। मैं समीना राज्यसभा टीवी की टीम के साथ आपसे ले रही हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और किसी मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।